नमस्कार, मैं हूं रिफत नसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर। केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। बेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। फास्ट शाइन नर्सिंग होम। फास्ट शाइन नर्सिंग होम। हमजा कलेक्शन। हमजा कलेक्शन। ग्लोबल वॉलपेपर। ग्लोबल वॉलपेपर। बुलेटिन की शुरुआत शिल्पांचल की कुछ अहम खबरों के साथ। आज आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 39 नंबर वार्ड के ग्वालापाड़ा की खवातीन ने मेयर विधान उपाध्याय को डेपुटेशन दिया है। दरअसल यहां मौजूद औरतों का कहना था कि पिछले 3-4 महीनों से इनको काफी परेशानियों का सामना है, पीने के पानी का मसला बना हुआ है, जबकि हजारों की तादाद में इस वार्ड में लोग रह रहे हैं। इसके अलावा भी साफ सफाई की खराब हालत को लेकर इन लोगों ने मेयर से गुहार लगाई। इन्होंने इल्जाम भी लगाया है कि बार बार काउंसलर से कहे जाने के बाद भी मसला जू का तू बना हुआ है। मेयर ने इनकी बातों को सुनने के बाद कहा है कि हमारे अफसरान इस इलाके में जाएंगे और जो भी मसला है इसको दूर करने की कोशिश होगी। नाली साफा नहीं हो रहा है एकदम। अच्छा, 3-4 महीना बाद एक दिन नाली साफा होता है, आप फिर बंद कर देता है। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग उषा ग्राम से आए हैं। तो कितने दिनों से पानी नहीं मिल रहा है? हो गया 2-3 महीना से पानी नहीं मिल रहा है। एक तारीख से नया टंकी चालू हुआ है ना, अब से पानी हम लोग का नहीं मिल रहा। अच्छा, आगे वाला टंकी से जो दे रहा था सब पानी ठीक दे रहा है। नई टंकी क्या क्या नाम है आपका? सिप्रा सरकार, कोलो मुर्मू। CITU के 52वें फाउंडेशन डे के मौके पे ABK मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन के बैनर तले पुराना हाट CITU दफ्तर के करीब एक खून हत्या कैंप का इनाकाद किया गया। सुभाषीष वासु ने जानकारी देते हुए कहा है कि आज ही के दिन 1970 में CITU की बुनियाद डाली गई थी, इसीलिए आज के दिन पूरे मुल्क में हम लोग फाउंडेशन डे मनाते हैं। इसी कड़ी के तौर पे हम लोगों ने यूनियन दफ्तर के सामने झंडा लहराकर प्रोग्राम का आगाज किया और खून हत्या कैंप का इनाकाद किया गया। इस मौके पर सेल ISP के DGM एम.ए. शमसी, हरजीत सिंह, मुमताज अहमद, इकबाल अहमद, प्रतीक सेन गुप्ता खास तौर से मौजूद थे। আমাদের বিশিষ্ট আসানসোল অঞ্চলে যারা বিশেষ থেকে যারা এসেছেন তাদের সকলকে আমাদের ধন্যবাদ এবং CITU 1970 সালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল কলকাতাতে এবং আজকে তার 52তম শতবার্ষিকী। সেই উপলক্ষে আমরা সারা ভারতবর্ষব্যাপী আমাদের এই যে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আমরা পালন করে থাকি, সেই হিসাবে আমরা আজকে ইউনিয়ন অফিসের সামনেই আমরা পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে, রক্ত পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এবং শহীদ বেদিতে মাল্যদানের মাধ্যমে আমরা এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করলাম।
সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই কর্মসূচিকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য আমরা আজকের দিনে আমরা বাঙ্কুর হসপিটালের তরফ থেকে আমাদের ইউনিয়নের সমস্ত যারা আমাদের মেম্বার আছেন তাদেরকে সবাইকে আহ্বান জানিয়ে আমরা অন্যান্য ইউনিয়নকে আহ্বান জানিয়ে আমরা সেল কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানিয়ে আমরা এই কর্মসূচিকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য চেষ্টা করছি এবং এইখানে আমরা এই স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি সেই উপলক্ষে আয়োজন করেছি। এই হচ্ছে আজকের দিনের বিষয়। এই এই হচ্ছে আমার নাম সুভাশিস বসু, জেনারেল সেক্রেটারি এবিকে মেটাল অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন সিআইটিইউ। वक्त उछला है मुख्तसर से वक्फे का। अपने घर को बनाए और भी सुंदर, क्योंकि केजीएन वॉलपेपर ट्रेडर लेकर आया है कुछ खास सिर्फ आपके लिए। सभी तरह की वॉलपेपर, वॉल स्टिकर, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, पीवीसी, मेट फ्लोरिंग के साथ ही साथ होम डेकोर की कई वैरायटीज हमारे स्टोर पे आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है होम्योपैथिक कॉलेज रोड नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल स्माइल आसनसोल। इसके अलावा हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर ना करें, आज ही आए। ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासर कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बानपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबी नगर 9 घंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250259567। फर्स्ट श्राइन नर्सिंग होम, रहमत नगर की पहली नर्सिंग होम, जहां अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे बेहतर इलाज। गेट बेटर एट द प्लेस वेयर यू लिव। हमारे यहां 15 बेड्स विद सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, सीजर, ओपन सर्जिकल सर्जरी, लैब्स एवं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की व्यवस्था है। हेल्थ आपकी, फिक्र हमारी। हमारा पता है आजाद नगर मेन रोड, बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान। फोन नंबर 9474160563। नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू ऑल, बिकॉज योर हेल्थ इज आवर प्रायोरिटी। 100 बेडेड आईपीडी यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर ओटीज, आईसीयू, NICU, HDU, Pharmacy 24/7, Daycare Unit, Dialysis Unit, Dental Unit, Diagnostic and Pathological Service, with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड, आसनसोल, 713304। Contact number 9123873265, 9609002666, 6295280253। कलेक्शन, शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिजाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। बीते दिनों घाटी गली से चोरी की खबर सामने आई थी। आपको बता दें कि प्रकाश लैबोरेटरी में लाखों की चोरी हुई है। आइए सुनते हैं खुद दुकान के मालिक को। नहीं,
बार आए ना, अभी तो बता दिया इनको। नहीं, वो कैमरा घटना हुआ है आपका? घटना हमारा दुकान में रात में चोरी हुआ है। रात में हम लोग 8 बजे दुकान बंद करके चले गए थे। इसके बाद सुबह जब हम लोग 8:30 बजे दुकान खोलने के लिए आया तो दुकान का तो शटर में और कैप्सूल में कुछ भी नहीं हुआ था, जैसे लॉक था वैसे ही था। लेकिन साइड में गली था, वो गली से खिड़की वाला सब रड काट के चोर अंदर घुस के अलमारी का ताला तोड़ के सोना और चांदी लेके गए और पैसा। कितना पैसा था? 28,000 रुपये पैसा कैश था। और सोना कितना? 500-800 ग्राम के लगभग सोना था और 10 किलो के लगभग चांदी था। कुल कीमत कितना आ रहा है? कुल कीमत मोटामोटी 25 लाख के लगभग था। सीसीटीवी में कुछ देखा गया? नहीं, सीसीटीवी हमारा उधर वाला कैमरा खराब हुआ है, इसलिए रात में हम लोग सीसीटीवी बंद करके जाते थे कुछ दिन पहले से। पुलिस आई है? पुलिस आई है, पुलिस अपना इन्विटेशन कर रही है। आप लोग कंप्लेंट लॉन्च की? हाँ, कंप्लेंट हम लोग एफ आई आर कर रहे हैं। आपका नाम? संजय सिंह शंकर। सरकार के आने के बाद रातों रात ये लोग डिसीजन लेते हैं कि लोगों को किस तरह से परेशान की जाए। कभी नोटबंदी के नाम पर, कभी लॉकडाउन के नाम पर, कभी लोगों को किस तरह से बहुत तरह के लोगों को परेशान किया जाता है। हम लोगों ने देखा कि अभी भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ड्रोन के पास विवेकानंद हाई स्कूल को रातों रात तोड़ दिया गया बिना नोटिस के, जिसमें 600-700 बच्चे पढ़ रहे थे और अचानक वो लोग शिक्षित से अशिक्षित हो गए। इन लोगों को क्या होगा, इन लोगों का भविष्य कहाँ जाएगी, इस चीज को कुछ वो लोग को परेशानी नहीं है, सोच नहीं है, फिक्र नहीं है। ये लोग कहते हैं कि सबके साथ सबका विकास, लेकिन हम लोगों ने देख रहे हैं कि सबके साथ सबको परेशान किया जा रहा है। किस तरह से लोग परेशान हैं, उस परेशानी का एक मिसाल यहाँ पर है। ये आसनसोल के उत्तर अंचल वार्ड नंबर 23, 24 और 26 के लोग यहाँ पर हैं, जिसमें यहाँ अचानक नोटिस दी गई है कि आप लोग यहाँ से घर खाली कीजिए, आप लोग यहाँ से जो दुकान है, मार्केट है यहाँ, उसको खाली कर दीजिए। जो हमारे इस मार्केट में 520 लोग यहाँ पर 500 मार्केट है, ये लोग कहाँ जाएंगे, इस चीज को आप लोगों ने जरा सा भी नहीं सोचा और यहाँ नोटिस देकर गए हैं कि आप लोग यहाँ खाली होइए। 1400-1500 लोग यहाँ रहते हैं घर में, जिसको आप लोगों ने नोटिस दिया है कि आप लोग खाली करिए, वरना आप लोगों को सामान के साथ बुलडोजर चला दी जाएगी। कल भी यहाँ पर RPF के लोग आए थे और आकर कह कर गए हैं कि आप लोगों ने घर खाली किया। यहाँ पर लोगों का कहना है कि हम लोग घर कहाँ जाएं भाई खोजने के लिए, ऐसे बरसात में कहीं घर भी नहीं मिल रहा, हम लोग बहुत परेशान है। एक एक घर अगर कहीं मिल भी रहा है तो 4,000-5,000 भाड़ा लग रहा है, हम लोग कहाँ जाएं। हम लोगों का यही डिमांड है कि आप लोग यहाँ से हम लोगों को खाली कराइए, हम लोगों को यहाँ से हटाइए, हम लोग आपके हुक्म सर आंखों पर रखेंगे, लेकिन उसके एवज में हम लोग कहीं रिहेबिलेशन, हम लोग कहीं दूसरा इंतजाम की जाए, वरना हम लोग यहाँ से एक इंच भी नहीं हटेंगे। चाहे हम लोगों के ऊपर आप लोग बुलडोजर चलाइए, हम लोगों के ऊपर आप लोग जितना भी जुल्म कर लीजिए, हम लोगों के सीने पर चढ़ कर आप लोग बुलडोजर चढ़ा के आप लोग जाइए घर तोड़ने के लिए और दुकान तोड़ने के लिए। हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, कल से हमारा ये धरना शुरू हुआ है। ये धरना हम लोगों का ये धरना चलता ही रहेगा जब तक हमारे जो DRM साहब है, हमारे ये सरकार है, हमारे जो नेतृत्व में जो हमारे सरपरस्त है, SDM, DM, CP साहब, मंत्री साहब और हमारे मेयर साहब से आप लोग आकर मिलिए, हमारे जो उच्च नेतृत्व में है उन लोगों से आप लोग बात करिए और हम लोगों का रिहेबिलेशन का इंतजाम करिए। जब तक हम लोगों का ये इंतजाम नहीं होगा, हम लोग यहाँ से एक इंच नहीं हटेंगे और हमारा ये जो है
आंदोलन ये चल रहा है और चलेगा। हम लोग यहाँ से एक इंच भी नहीं हटेंगे और हमारा यही एक नारा रहेगा कि मोदी सरकार दूर हटो और मोदी सरकार दूर हटो, मोदी सरकार दूर हटो। आप लोगों ने जो इतना जुल्म कर रहे हैं, आप लोगों के जुल्म के खिलाफ हमारी ये आवाज हम लोग आज उठा रहे हैं। यहाँ से हम लोग ये धरना लगा है, ये धरना हम लोगों का चलता ही रहेगा, कोई हम लोगों को यहाँ से हटा नहीं सकता है जब तक आप लोग हमारी उच्च नेतृत्व से बात नहीं करते। नाज़रीन आज की खबरें यहीं तक, लेकिन इसी तरह की खबरों को देखने और जानने के लिए बने रहें खबर आसनसोल के साथ। अल्लाह हाफिज़। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहां तहां ना फेंके। कौन सा कचरा कहां डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।